नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया, आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। दसवें चरण में होने वाले बिहार पंचायत चुनाव को लेकर तमाम वो प्रत्याशी जनता के बीच हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड के पिपरा पंचायत के पूर्व मुखिया है मनोज कुमार सिंह हैं। इनकी पत्नी रीना देवी इस बार चुनावी मैदान में है। पिछले दफा भी चुनावी मैदान में थी लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाई है, कि हाँ कमी रह गई। तो मनोज जी ही बताएंगे, इसी से जुड़ते हैं। मनोज जी बताइए कि इस बार जो जनता के बीच जा रहे हैं आप लोग, किन एजेंडों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, जनता क्यों आपको वोट करे बताइए। देखिए सर, हम 2000 चुनाव में हार गए। चुनाव हारने के बाद भी जनता को हम सेवा करते रहे और हर दिन रात एक एक किए हुए थे और जनता आशीर्वाद दिए हुए हैं अगली बार, और जनता का जो भी होगा सेवा उसके लिए हम तैयार हैं, हैं कभी पाछे नहीं हटेंगे। कोरोना के काल में कितना मनोज सिंह जो है जी, कोरोना के काम आए, कोरोना के काल में हम सब वार्ड में ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव किए हैं अपने पैसा से। जी अपना पैसा से हम, अच्छा अपना मास्क भी बांटे हैं, जनता का सेवा किए। जी जनता की सेवा हम किए हैं। अभी वर्तमान अगर हम पंचायत की अगर बात करें तो क्या क्या समस्या है जो लोग जूझ रहे हैं समस्या सर यहाँ पर जो है रोड बहुत कम बना हुआ है, बहुत जहाँ जहाँ जरूरी था रोड का वहाँ रोड नहीं बना हुआ है, हैं। इंदिरा आवास बहुत आदमी को छूट भी गया है, इंदिरा आवास जरूरी है। महादलित को 5 साल में एक भी इंदिरा आवास नहीं मिला है, इसलिए कि महादलित के पास में पैसा नहीं था, 20,000 रुपया 30,000 रुपया देने लायक नहीं था, इसलिए महादलित को 5 साल में इंदिरा आवास नहीं मिला है। अगर मनोज सिंह की पत्नी अगर जीत कराती है तो एक इंदिरा आवास हम मुफ्त इंदिरा आवास देंगे, महादलित हो जो भी कास्ट हो सबको मुफ्त इंदिरा आवास हम देंगे, जैसे हो जहां से हो, सरकार से लड़के देंगे, डीएम से लड़के देंगे। बहुत सारे ऐसे भी परिवार हैं जो कि भूमिहीन परिवार हैं, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, उसके लिए हम दिन रात एक कर देंगे, एक कर देंगे। इस बार लग रहा है बदलाव? जी बदलाव तो देख लीजिए, बदलाव जनता में जाके देख लीजिए, पूरा बदलाव। थोड़ा बात नहीं, पूरा बदलाव। हाँ। और युवाओं के लिए क्या कीजिएगा? युवाओं के लिए जो सेवा होगा युवाओं के लिए बहुत बहुत बात है सर। हाँ। उस हम नहीं कर सकते हैं युवा के लिए, 5 साल देखेगा युवा कि मुखिया जी जीते हैं तो युवा हम कहाँ अभी हैं, सोच के रख लिए हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर? महिला सशक्तिकरण तो मैं महिला तो ही है सर, महिला के लिए जो सेवा होगा हाँ सेवा करने के लिए हम तैयार हैं। ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था है कितना अच्छा है आपके यहाँ? नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ अच्छा नहीं है। तो आपके रहने से फिर जो स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हम श्रीमान से निवेदन करेंगे, डीएम साहब से निवेदन करेंगे, हैं, हमारे पंचायत में एम्बुलेंस का व्यवस्था करें। एम्बुलेंस का दिक्कत? जी दिक्कत हो रहा है सर, इसलिए कि मेरा बहुत ऐसा गांव है कि वहाँ से लगने में जाने में दिक्कत हो रहा है। और एनएच के किनारे तो बहुत सारा जो है एक्सीडेंट होते रहता है दिन पर। एनएच के बाद एनएच पर तो रोज एक्सीडेंट हो रहा है, एक दिन लगा नहीं है एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। हम सर अगर चुनाव जीत के हम आएंगे तो हम जनता से वादा करते हैं कि एम्बुलेंस जो है यहाँ फ्री हम अपना सेवा कर देंगे। एम्बुलेंस दीजिएगा? एम्बुलेंस देंगे अपना सेवा। एम्बुलेंस कितना जरूरी है जनता के? बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है कि खगर अति फोन करना पड़ता है, लेट से जाता है, ता तक यहाँ जो है सीरियस हो जाता है बीमारी। हाँ। जाने आने में खगड़िया जाना होगा, पटना जाना होगा, जहाँ बेगूसराय जाना होगा वहाँ जाएगा। यानी इस बार आप पूरा आदम कमर कस लिए हैं? जी